आ रहे मंदिर भव्य बना रहे। राम लला हम आ रहे मंदिर भव्य बना रहे। राम लला हम आ गए मंदिर भव्य बना रहे। राम लला हम आ गए मंदिर भव्य बना रहे। जय श्री राम जय श्री राम। के लिए हमारी कई पीढ़ियां आहूत हो गई, हजारों लाखों की संख्या में पधारे, ये हमारा परम सौभाग्य है। और जब हमारे अतिथि राम काज के लिए आते हैं तो निश्चित रूप से हम अपना परम सौभाग्य मानते हैं। और इस परम सौभाग्य में जो भी हमारे हिंदूवादी राम भक्त सभी सम्मिलित हैं, इकट्ठे हैं, और बड़े उत्साह के साथ उन्होंने अपना यहाँ मन तन धन से सहयोग करने का वचन भी दिया है और कर रहे हैं संपूर्ण तरीके से, पूरा दिन रात और मन से इस संग्रह में लगे हुए हैं। कि अब वैसे तो एक टाटा बिरला ने कह दिया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, परंतु राष्ट्र जागरण का, राम भक्तों का, सबका सहयोग उसमें हो, ये संकल्प लेकर के जब निकलेंगे तो ही हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं। इस सबका साथ और सबकी निधि से मिलकर के जो राम मंदिर बनेगा, सबके भाव भी उसमें सम्मिलित होंगे, तो निश्चित रूप से हमारा मंदिर जगमगाएगा, भव्य और दिव्य और विश्व प्रसिद्ध होगा। इसलिए हम प्रभु रामचंद्र जी महाराज की जय बोलते हैं कि उन्होंने पहले राष्ट्र जागरण करवाया और फिर अपना मंदिर भव्य बनाया। ये तो किसी की हैसियत ही नहीं होती कि उनके कार्य को रोक पाए, लेकिन विधर्मी अपना पूर्ण प्रयास करते हैं तभी धर्म का जागरण होता है। बस इतना कहेंगे कि जब प्रभु रामचंद्र जी वन को गए तब बन गए, तो जब वो वन में गए तब वो कर्मशील होकर के और उनकी वो पहचान बनी और उन्होंने अपने कर्म से बता दिया कि जो कर्मशील होगा, जो देश के लिए विचार करेगा, अधर्म को समाप्त करेगा, हम उसके साथ हैं। इसलिए जो सब निकले हैं इस कार्य के लिए पवित्र भाव से, पवित्र जागरण करते हुए और इस निधि के साथ अपना भाव समर्पित करते हुए जा रहे हैं, तो राम मंदिर भव्य बनाने के लिए किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति, बच्चे से बच्चा, एक बच्चा भी अपनी इसमें निधि दे रहा है, तो वो सब राम मंदिर के लिए, भव्य राम मंदिर के निर्माण में लगेगा। हम आप सब अतिथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और कहते हैं प्रभु सदैव आपको कर्मशील, क्रियाशील, स्वस्थ और प्रसन्न। ऐसा है कि जिसने इतने सारे प्रयास कर लिए रोकने के, वो रोक नहीं पाए इस कार्य को। अब उन्हें धन का जब ये संग्रहण हो रहा है, संकलन हो रहा है, तो उन्हें इसमें भी पीड़ा है कहीं उनके जैसा काम यानी भ्रष्टाचार कोई ना कर ले। तो मुझे ऐसा लगता है राम के कार्य में कोई भ्रष्टाचार नहीं करता, यदि उसमें मानसिकता कांग्रेसियों की भी अच्छी हो जाती है तो वो भी सम्मिलित हो जाए, उनका ये भ्रष्टाचारी मानसिकता भी खत्म हो जाएगी, वो भी खुलकर के दान करे और सब मार्ग आपके पास खुले हैं, डायरेक्ट भी आप भेज सकते। मैं कांग्रेसियों से निवेदन करूंगी, ऐसे विरोधियों से, वामपंथियों से और राम विरोधियों से निवेदन करूंगी, आग्रह करती हूँ और भिक्षा भी मांगती हूँ कि आप भी दीजिए दान, कम से कम आपने जो पाप कर्म किए उनसे तो कम से कम निवृत्ति मिलेगी आपको। और सभी मार्ग आपके पास खुले हैं, हर व्यक्ति के घर में जाया जा रहा है, हर व्यक्ति बच्चे से हम आग्रह कर रहे हैं, हमारे सभी अधिकारी विश्व हिंदू परिषद के आग्रह कर रहे हैं, हम सब मिलकर के आग्रह करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप अपने बच्चे का भी सहयोग उसमें करिए। और भ्रष्टाचार की यहाँ नियत किसी की नहीं है, और भ्रष्टाचारी नियत से कोई आएगा भी तो मरीचिका उसका हश्र होगा, मरीचि जैसा। इसलिए प्रभु राम जी का कार्य प्रभु हनुमान जी देखते हैं और हनुमान जी किसी को छोड़ते नहीं है। इसलिए बजरंगी भी सामने और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी सामने हैं, राष्ट्र भक्त सामने, राम भक्त सामने हैं। जो राम भक्त नहीं है वो भी आ जाए, भक्त बन जाए, तो उनके सब पाप प्रभु हर लेंगे और उनको आशीर्वाद ही मिलेगा। इसलिए ऐसी तुच्छ मानसिकता से कम कोई बयान ना दे, क्योंकि जो पाप कर्म किए हैं उनको भुला करके सत्कर्म का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है, सम्मिलित हो जाइए। किसी ने तो ये भी कहा था कि ये जो नींव रखी जा रही है राम मंदिर की, वो राम मंदिर की जो नींव है उसका शुभ
नहीं है, ऐसा भी कांग्रेसी नेताओं ने कुछ ने बोला था। और वो, मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेती हूँ कि अशुभ नाम लेने से भी वातावरण अशुभ होता है। इसलिए इसलिए कभी भी जो कांग्रेस ने कहा कि अशुभ मुहूर्त में ये कार्य हो रहा है, इतने प्रकांड विद्वान वहां बैठे हुए हैं, उस शुभ मुहूर्त में काम हुआ और आज भव्य मंदिर निर्माण के लिए हम अपना राशि भी जो भी हमारे पास है सब दान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सब शुभ 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 होता है राम जी के कार्य में, कुछ भी अशुभ नहीं होता है। इसलिए मानसिकता विचार भाव सब शुद्ध रखिए, सब अच्छा होता है। दीदी सपा से ये रैली निकाल रहे हैं उसमें भाजपा के लोग कुछ बिके हुए मुसलमानों को पैसा लेके पथराव करवाते हैं और फिर माहौल खराब करते हैं, इस तरह से। देखो मैंने अभी भी कहा है कि ऐसी किसी भी प्रकार की दूषित मानसिकता से ये कार्य नहीं होता है, और जिनकी दूषित मानसिकता है वो अपनी मानसिकता अपने पास रखे, राम भक्त उनको जवाब दे देंगे। मुझे लगता है कि इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है और हम अच्छे कार्य के लिए शुभ कार्य के लिए निकले हैं, शुभ कार्य होगा। कौन बिका है कौन चुका है ये तो प्रभु राम जी देख लेंगे, ये राम जी का काम है, राम ही करवाते हैं, राम ही करते हैं, हम तो निमित्त हैं जो करते चले जा रहे हैं। एक और सपा गरीबों के लिए जानलेवा है और पहले भाजपाइयों को लगवाना चाहिए, कल से पूरे देश का अभियान। देखो ऐसे लोगों का कहना, जो वैक्सीन है किसी ने उसको रंग दे दिया कि ये तो भगवा वैक्सीन है। कितने साइंटिस्टों ने ये बताया है कि ये जो वैक्सीन है इसमें जिस प्रकार से ये बयान आ रहे हैं, ये बयान पूरी तरह से राजनीतिक बयान है और मैं उनको दूषित बयान कहती हूँ, उनको मैं देश विरोधी बयान कहती हूँ, उनको मैं समाज विरोधी बयान कहती हूँ, उनको मैं स्वास्थ्य विरोधी बयान कहती हूँ। और ये निकृष्ट बयान देना, ये राजनीतिक जो विरोधी है उन लोगों को बंद करना चाहिए, जनता के हित में वैक्सीन लगना चाहिए, क्योंकि ये जो कोरोना है ये महासंकट है, महामारी है, और इस महामारी से बचने का जब उपाय और निशुल्क इसको जब लगाया जा रहा है तो इसमें पीड़ा इनको इसलिए हो रही है कि अगर ये कुछ करना चाहते तो उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ले लेते, और यह लेने का मामला है नहीं, इसलिए ये परेशान है। और ऐसे दूषित बयान राष्ट्र को कमजोर करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, उन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति हर विषय पर उचित नहीं है। मैं उनको एक सलाह देती हूँ, राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, और राम जी के कार्य में कोई नहीं विराम है, और किसी भी प्रकार से राम के कार्य में कोई संकट नहीं आता है, जो संकट लाएगा वो स्वयं ध्वस्त हो जाएगा। और राम जी का काम कार्य निर्विघ्न रूप से कर रहे हैं लोग, और जो भी असामाजिक तत्व हैं वो असामाजिक तत्व प्रयास करते हैं रोकने का, लेकिन राम दल कभी रुका नहीं है, कभी झुका नहीं है, कभी हटा नहीं है, डटा है तो डटा है, और कार्य करके ही, कार्य पूर्ण करके ही। आप क्या अपील करेंगे लोगों से? मैं एक अपील कर रही हूँ संपूर्ण राष्ट्र से कि आप वैक्सीन लगवाइए, निसंकोच होकर के किसी भी राजनीतिक बयान बाजी से दूर रह करके, किसी भी प्रकार से भय मुक्त होकर के आप वैक्सीन लगवाइए और निरोगी होइए, ऐसे संक्रमण से बचिए और आगे बढ़िए। आप विकास करेंगे, उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, व्यवसाय करेंगे, आगे बढ़ पाएंगे और आप बच्चे पढ़ पाएंगे। इस वातावरण को रोग मुक्त करने के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है और उसको आप लगवाइए। बस मैं यही अपील करती हूँ कि निर्भय होकर के आप इस वैक्सीन को लगवाइए। यहाँ जो भी अपने बंधु बांधव उपस्थित हैं वो भगवान राम जी का पूजन करके और थाली